राजवीर और बलदेव सिंह शारदा देवी को अपनी तरफ करना चाहते हैं, तो वो इस तरह से उन्हें बदनाम क्यों करेंगे? जरूर इसके पीछे किसी और का हाथ है। कुछ लोग इस बात को लेकर मुद्दा बना रहे हैं कि तुम्हारे खिलाफ साजिशें हैं। मैं कर रहा हूँ। सच तो ये है शारदा कि तुम्हारी ही सरकार तुम्हारे खिलाफ साजिशें कर रही है। ये रही आपकी अमानत, 6 करोड़ रुपए। आज रात ही इस प्लान को अंजाम दे दिया जाएगा। प्लीज माँ जी, प्लीज जल्दी आइए। हाँ हाँ मैं आऊंगी। आप ही मुझे बचा सकती हैं माँ जी, प्लीज। अरे सक्सेना जी, आप फिक्र मत करिए। जो काम आप और पापा मिलकर नहीं कर सके ना, वो मैं अकेला कर दिखाऊंगा। क्या बात है, आज बड़ा प्यार आ रहा है। हाँ वैसे बात तो सही है, प्यार तो बहुत आ रहा है। क्योंकि क्या है ना, मुझे लग रहा है कि तुम अब एक अच्छी पत्नी की तरह मेरा साथ दे रही हो। लेकिन राजवीर, तुम एक अच्छे पति की तरह वफादार नहीं बन पाए। देखो रागिनी, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। वो क्या है ना, तुम तो मेरे लिए अब सोनाली से भी ज्यादा अहमियत रखती हो। हम नहीं मानते तुम्हारी इस बात को जब तक सोनाली इस घर में है। धीरे धीरे तुम्हें ये भी पता लग जाएगा, क्योंकि क्या है ना, अब जो हमारे बीच की दूरियां हैं वो अब कम होने लगी। ओफो, राजवीर ने फोन बंद रखा है। कहीं रागिनी के साथ कुछ अनर्थ न कर बैठे। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं राजवीर के पापा को फोन करती हूं। हाँ बोलो शारदा। हेलो, कहाँ हैं आप? राजवीर रागिनी को मार देना चाहता है। रागिनी का फोन आया था मुझे। ओ, तो रागिनी का नाटक अभी जारी है। आप कुछ बोलते क्यों नहीं, कहाँ हैं आप? ओफो, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं, कहाँ हैं आप? शारदा मैं तो बाहर हूँ, और घर पे क्या चल रहा है मुझे क्या पता। देखिए, राजवीर ने अपना फोन बंद रखा है। वो रागिनी के साथ कुछ अनर्थ न कर बैठे। अब तुम ही देख लो शारदा, राजवीर मेरे हाथ से किस तरह निकल चुका। प्लीज आप कुछ कीजिए, बचाइए रागिनी को। मैं क्या करूं शारदा, मेरी तो कुछ समझ में नहीं। देखो मैं घर पहुंच भी नहीं पाऊंगा, और तुम तो जानती हो कि राजवीर मेरी बात ही नहीं मानता। देखो शारदा, तुम खुद घर जाकर उससे रोको। कि अगर राजवीर ने गुस्से में आके किसी घटना को अंजाम दे दिया ना, तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तुम जाके रोको उसे शारदा, और तुम ही उसे रोक सकती हो शारदा। तुम जाके रोको उसे। ठीक है, ठीक है, मैं घर पहुंचती हूँ। आप भी जल्दी से घर पहुंचिए। हाँ हाँ, मैं जितनी जल्दी हो सके पहुंचने की कोशिश करता हूँ, लेकिन तुम वहां जरूर पहुंचो। तुम्हारे कदम इस घर में पड़ने चाहिए शारदा, बहुत जरूरी है। क्या बात है माजी, आप इतनी परेशान क्यों हैं? आदित्य, बहुत गड़बड़ है। राजवीर का दिमाग खराब हो गया है। सोनाली के चक्कर में वो रागिनी से छुटकारा पाना चाहता है। क्या? इससे पहले भी रागिनी का फोन आया था। वो बता रही थी राजवीर उसे बहुत परेशान करता है, बहुत सताता है। एक दिन तो उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल रहा था। माजी, अगर ऐसी बात है
तो आपको पुलिस फोर्स को ऑर्डर देना चाहिए। नहीं आदित्य, वहां जाने से बात और बिगड़ जाएगी। अभी रागिनी का फोन आया था, वो बता रही थी राजवीर उसे जलाकर मार डालना चाहता है। बहुत घबराई हुई है वो, मुझे वहां तुरंत जाना होगा। राजवीर के पापा भी घर पर नहीं है, मैं जाकर उसे समझाऊंगी, मुझे जाना होगा वहां पर। ये क्या कह रही हैं आप माँ जी, आप इस वक्त वहां जाएंगी? जाना तो पड़ेगा ही ना आदित्य। माँ जी बिना सिक्योरिटी को इन्फॉर्म किए आप इस तरह वहां नहीं जा सकती। तामझाम के लिए वक्त नहीं है आदित्य, वहां रागिनी की जान पर बनी है और तुम सिक्योरिटी की बात कर रहे हो। अगर गुस्से में आकर राजवीर ने कुछ कर दिया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन माँ जी, मुझे रोकने की कोशिश मत करो आदित्य, मुझे जाने दो। बाहर सिक्योरिटी की गाड़ी है ना, मैं उसमें जाऊंगी और तुरंत वापस आ जाऊंगी। अच्छा तो फिर चलिए, मैं भी चलता हूँ। नहीं आदित्य, अगर राजीव ने तुम्हें मेरे साथ देख लिया ना तो और भड़केगा, मैं अकेली जाती हूँ। हेलो मुख्यमंत्री जी, मैंने फोन आपको इसलिए किया था कि मैं घरेलू परेशानी में हूँ, मैं आपसे बाद में बात करूँ। लेकिन लेकिन मैं तुम इसी गाड़ी में मौजूद रहोगी, मैं अकेले उस काम को अंजाम दूंगा जो आज होने वाला है। उसके बाद तुम गाड़ी स्टार्ट करके मेरा इंतजार करना, और जैसे ही गोली चलने की आवाज सुनी तुम समझ जाना कि काम हो गया। ठीक। और एक बात का ख्याल रखना, कोई पूछे कि यहाँ क्यों खड़ी हो, इसलिए खड़ी हो, तो कह देना कि गाड़ी खराब है और तुमने गैरेज से मैकेनिक को बुलाया। ठीक है, हम यहाँ ज्यादा देर नहीं रुकेंगे, इस काम को अंजाम देते ही हम दोनों यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन वो दूसरी गाड़ी जो तुम रास्ते में छोड़ आए हो, उसका क्या? उस गाड़ी को वहीं रहने दो, हम इसी गाड़ी से निकलेंगे। हो सकता है पुलिस को इस गाड़ी पर शक हो, इस गाड़ी पर नजर हो, और इसलिए हम इस गाड़ी को छोड़कर दूसरी गाड़ी पकड़ेंगे और उसी वक्त हम ये प्रदेश छोड़ देंगे और नेपाल के लिए रवाना होंगे। ठीक है। और एक बात, अपने आप को तैयार रखना, कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। ठीक है। क्या बात है, कुछ परेशानी है? पता नहीं प्रदीप जी क्या चक्कर, अभी भी रागिनी का फोन आया था और माजी बलदेव सिंह जी के घर के लिए निकली। और तुमने उन्हें रोका नहीं? बलदेव सिंह के घर में उनके कदम पड़ना अच्छी बात नहीं आती। मुझे तो कुछ दिनों से लग ही रहा था कि माजी को अपनी ओर मिलाने की कोशिश की जा रही, और आज अचानक रागिनी का इस तरीके से फोन आना और माजी का मजबूर होकर निकलना, तो कोई चाल लगा। लेकिन उन्हें क्या कह के मजबूर किया होगा? रागिनी ने फोन कर ये कहा कि राजवीर उसे मारना चाहता है, और शायद माजी ने बलदेव सिंह जी से बात भी की थी, लेकिन वो घर पर नहीं थे, इसलिए माजी को निकलना पड़ा। पता नहीं हमें क्यों ऐसा लग रहा है कि इन सब के पीछे कोई ना कोई खेल जरूर है। जी, मैं भी उनके साथ जाना चाहता था, लेकिन उन्होंने मुझे अपने साथ ले जाने से इनकार कर दिया। नमस्कार गृहमंत्री जी। मुख्यमंत्री जी कहाँ हैं? अरे उनका फोन बंद आ रहा है। क्या बात हुई? अरे मैंने जो पूछा ना, सिर्फ उसी का जवाब दो कि कहाँ हैं मुख्यमंत्री जी। पता नहीं क्या बात हुई थी कि वो अचानक से बलदेव सिंह के घर की तरफ निकल गई, और वो भी बिना सिक्योरिटी इन्फॉर्म किए। लेकिन आपने उन्हें रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? अरे क्यों जाने दिया उन्हें बिना सिक्योरिटी के? हम तो यहाँ थे ही नहीं।
आदित्य ने उनको रोकने की कोशिश की लेकिन उन्होंने उसकी भी बात नहीं मानी और वो यहाँ से चली गई। हमें अलर्ट मिला है कि आज किसी मंत्री को मारने की साजिश रची गई है और आप लोगों ने उन्हें बिना सिक्योरिटी के जाने दिया। अरे बेटा रागिनी कहाँ है? अपने कमरे में होगी पापा। लेकिन क्या बात है, आप बड़े खुश नजर आ रहे हैं। बेटा तुमने और रागिनी ने तो कमाल ही कर दिया, शारदा को इस घर की दहलीज पे आने पर मजबूर कर दिया। अरे वो तो आती होगी। क्या सच पापा? हाँ बेटा, शारदा बुरी तरह से घबराई हुई थी कि राजवीर रागिनी को मार डालेगा, कुछ कीजिए, रोकिए उससे। लेकिन तब मैंने शारदा से कह दिया था कि भाई मैं तो बाहर हूं, तुम ही जाके राजवीर को रोक ले। लेकिन मैं रागिनी को मार दूंगा, इसका क्या मतलब है? अरे सीधी बात है बेटा, रागिनी ने शारदा को फोन किया होगा और आज फोन करके बात आगे बढ़ाई होगी कि तुम उसे मारना चाहते हो, बस इसी डर से शारदा आ रही है। लेकिन पापा रागिनी तो मेरे साथ थी, उसने कोई फोन नहीं किया, और अगर वो फोन करती तो मुझे बताती जरूर। बेटा उसने फोन किया होगा और तुम्हें बताना भूल गई होगी। अब इसी बात की जिम्मेदारी तो हमने रागिनी पर डाली है ना, और तुमने भी तो ये समझाया था ना उसे कि वक्त बेवक्त उसे फोन कर लिया करो। लेकिन रागिनी तुम्हें माँ को फिर से फोन करना चाहिए, हमें उनके दिमाग से ये बात निकलने नहीं देनी चाहिए, हमें उन्हें मजबूर करना है कि वो एक नतीजे पर पहुंचे, उन्हें इस घर में वापस आना ही होगा। हाँ पापा, मैंने रागिनी से कहा तो था कि वो माँ को फोन करती रहे। तो बस उसने फोन करके कह दिया होगा कि तुम उसे रास्ते से हटाने के लिए मार भी सकते हो, और पता नहीं रागिनी ने उससे और क्या क्या कहा। लेकिन एक बात तो बड़ी पक्की है, शारदा बुरी तरह से घबराई हुई थी, मुझे पूरा यकीन है कि वो यहाँ आएगी, जरूर आएगी वो। शारदा देवी, हे
देखिए, हम जो प्लान बनाकर चल रहे थे कि ऐसा होना चाहिए, अब ठीक वैसा होना भी चाहिए। इस मामले में शक की सुई भी देव सिंह पर पड़ी चाहिए। जिंदगी एक भंवर है। गोली चलने की आवाज है। हाँ, लग तो ऐसा ही रहा है। मैं जाके देखता हूँ। अब नहीं राजवीर, तुम बाहर नहीं जाओगे। बाहर से गोली चलने की आवाज आएगी, पता नहीं क्या माहौल है बाहर, तुम नहीं जाओगे। लेकिन मुझे देखना तो पड़ेगा, और फिर माँ भी आने वाली है। अजी, और अपने घर? हाँ, मैं उन्हीं का इंतजार कर रहा था। रागिनी, शायद तुमने फोन किया होगा लेकिन मुझे बताना भूल गई हो। वो तो पापा ने मुझे बताया कि माँ आने वाली है। राजवीर, तुम तो हमारे साथ थे। हमने माजी को कब फोन किया? चलो, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले बाहर देखता हूँ कि माजरा क्या है। लेकिन राजवीर बाबू, गजब हो गया राजवीर बाबू। क्या हुआ सक्सेना जी? शारदा जी को गोली मार दी गई है। सना जी, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं राजवीर बाबू। शारदा जी पे गोली चलाई गई है, उनको दो गोली लगी है। और ये सारी घटनाएं अपने बंगले के सामने हुई है। वो शायद अपने घर पे ही आ रही थी। जैसे ही गाड़ी से उतरी है, उनके ऊपर फायर कर दिया गया है। उनको दो गोली लगी है और उनकी हालत बहुत खराब है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन वहां पर गोली चलाने वाला कौन था? वो जो भी हो राजवीर बाबू, सिक्योरिटी वाले ने उसे मार दिया है। शारदा जी की हालत बहुत खराब है, उन्हें हॉस्पिटल लेके गए हैं। पता नहीं वो बचेंगे या नहीं। अरे हाँ भाई, इट्स एन इमरजेंसी, आई टोल्ड यू। है मुख्यमंत्री को गोली लगी है, मुख्यमंत्री को, समझिए जरा, इट्स एन इमरजेंसी। हाँ, हम कोशिश कर रहे हैं सब। नर्स, इन्हें ऑपरेशन थिएटर ले जाओ, पूरी तैयारी करो। यस। आप पता लगाए कि मुख्यमंत्री की ब्लड ग्रुप कौन सी है और ब्लड का बंदोबस्त कीजिए जल्दी। ओके सर। डॉक्टर साहब, मुख्यमंत्री जी की हालत कैसी है? गोली लगी है उन्हें, ऑपरेशन थिएटर भेजा गया, देखते हैं क्या होता है। माँ जी की जान को कोई खतरा तो नहीं ना? अरे हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, ऑपरेशन के बाद ही पता चलेगा कि हमको खतरा है या नहीं। हौसला रखिए, हम सब कुछ कर रहे हैं। हाँ,
क्या क्या कह रहे हैं आप? ऐसा नहीं हो सकता, मुख्यमंत्री जी को गोली मार दी? ठीक है, मैं देखता हूं, तुम हॉस्पिटल फोन करो। मुख्यमंत्री जी को कुछ भी नहीं होना चाहिए, उन्हें हर हालत में बचाया जाना चाहिए, समझे? क्या बात है गृहमंत्री जी, आप बहुत परेशान हैं? बहुत बड़ी बात है देवव्रत जी, जो अलर्ट आया था एकदम सच था। नागा पांडे ने किसी और को मारने की साजिश नहीं बल्कि हमारी मुख्यमंत्री जी को मारने की साजिश की। क्या कह रहे हैं आप? और घटना घट चुकी है और भगवान जाने क्या होने वाला है। देखिए, हम जो प्लान बनाकर चल रहे थे कि ऐसा होना चाहिए, अब ठीक वैसा होना भी चाहिए। इस मामले में शक शक हुई बलदेव सिंह पर होनी चाहिए। जिंदगी एक भंवर है। घटना हो चुकी है, स्पष्ट बताइए बात क्या है। हाँ, मुख्यमंत्री जी को दो गोली लगी है और गोली तब लगी जब वो बलदेव सिंह के घर जा रही थी। गोली नागा पांडे ने चलाई थी और सिक्योरिटी ने नागा पांडे को वहीं मार गिराया। नागा पांडे मारा जा चुका है और मुख्यमंत्री जी हॉस्पिटल में, लेकिन उनकी हालत बहुत नाजुक है। हमारी इतनी सुरक्षा और कोशिशों के बाद भी यह हादसा हो गया, वो भी हमारी मुख्यमंत्री जी के साथ। हाँ, पता नहीं क्या प्लान था उसका और किस तरह का प्लान था। मैंने मुख्यमंत्री जी से बात करने की कोशिश की, मैंने उन्हें फोन भी किया, लेकिन उन्होंने फोन काट दिया कि मैं बाद में बात करूंगी। बहुत परेशान थी वो, मैंने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सका। कुछ चाल तो जरूर है। मुख्यमंत्री जी अपने निवास से निकलकर बलदेव सिंह के घर तक गई क्यों, किस लिए? पुलिस इस बात का पता लगा रही है कि आखिर मुख्यमंत्री जी वहां क्यों गई, लेकिन इससे ज्यादा जरूरी है कि सबसे पहले उनकी जान बचनी चाहिए। जब यह खबर जनता में फैलेगी तो पता नहीं उसका क्या असर। हमारी सर्वमुक्ति योजना कामयाब हुई है, पूरी तरह कामयाब हुई है। हम जिन्हें मुक्ति के रास्ते पर ले जाना चाहते थे वो मुक्ति के रास्ते पर जा चुकी है। और नागा पांडे अगर गिरफ्तार हो गया होता तो बात खुलने का डर बना रहता। अच्छा हुआ जो नागा पांडे का खेल खत्म हो गया, सिक्योरिटी वालों की इज्जत भी बनी रही और हमारी बात भी बन गई। नहीं, देखिए एक बात तो मैं नागा पांडे के बारे में विश्वास के साथ कह सकता था, वो अगर गिरफ्तार भी हो जाता तो जुबान नहीं खोलता, ये उसकी जिंदगी का उसूल था, इसीलिए मैं उससे खुलकर बात कर पाया। लेकिन अब आपने आगे क्या सोचा? देखिए, हम जो प्लान बनाकर चल रहे थे कि ऐसा होना चाहिए, अब ठीक वैसा होना भी चाहिए। इस मामले में शक की सुई बलदेव सिंह पर होनी चाहिए। और किसको पता था कि शारदा यहां आने वाली है? कहीं तुमने तो किसी को नहीं बताया कि शारदा यहां आने वाली है? जो भी कदम उठाना होगा बहुत सोच समझ कर उठाना होगा। फिलहाल तो मुझे उस खबर का इंतजार है जो अब तक नहीं आई।